मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। ये मुंबई हमले में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों का अपमान है। ये मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मार गिराने वाले सभी सुरक्षा बलों का अपमान है। ये शहीद तुकाराम आमले जैसे उन शहीदों का अपमान है। देश को किस तरफ ले जाना चाहती है कांग्रेस? तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस हर रोज और ज्यादा नीचे गिरती चली जा रही है। क्या ऐसी कांग्रेस ऐसे इंडिया गाड़ी को महाराष्ट्र में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? जरा पूरी ताकत से बताएंगे, एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या?